हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है, उनके घर में ही उनके शील और मर्यादा खतरे में है, इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए और बाहर तो हिंदू समाज जहाँ निकलता है तो वहां पहुंच पहनने की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ हम अध्ययन करते हैं वहां तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए आज हम जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वो अपने को अखंड हिंदू मान करके चलें, हम खंडितों की बात नहीं करते हैं। और इस वजह बीजेपी की एमपी साध्वी प्रज्ञा, इनका कहना ये है कि हिजाब को लेकर के इन्होंने कहा है कि बाहर हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, बहुत सुरक्षित है। अब देखिए अब देखिए उनके ऊपर जो है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का केस चल रहा है, उन्होंने एक ऐसे देशभक्त को जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, हेमंत करकरे के बारे में उन्होंने उसका नाप शनाब उनके बारे में बोला, उन्होंने पास में गुटसे की तारीफ की, तो यही इनका इंट्रोडक्शन है, यही इनके बारे में तारुफ बोलते हैं ना वो है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। घर में पहनो बाहर में पहनो, नहीं नहीं अब ये नहीं नहीं मैंने इन 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 इन्होंने जो पहले जो बयानात दिए वक्तव्य दिए सब आपके सामने रख रहा हूँ और ये जनता तय कर लेगी। हिजाब को अननेसेसरी एक तो आपको लग रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सी का इश्यू बनाया जा रहा है, हेमंत बिस्वा का भी कहना है कि इस्लाम जो है हमको बेहतर एजुकेशन की बात करता, वो भी कहता है कि आप हिजाब। अब देखिए इस्लाम मुझे सीखना है तो मैं किसी इस्लामिक उलेमा से स्कॉलर से सीखूंगा ना, मैं इन लोगों से तो इस्लाम नहीं सीखूंगा। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए, और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है, वो छह लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो ने अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने, तो आप पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से वो तनाज़ा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। और अगर वो कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, तकलीफ आपको क्यों हो रही है, इससे आपको हार्म, किसी को हार्म हो रहा है भाई? सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इस पर हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं, तो इससे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक खोखला साबित होता है जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। अरे भाई हिमाचल में आपकी सरकार है वहाँ पर आपने कानून बना दिया, मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कानून बना दिया, कर्नाटक में आपकी सरकार है तो आप मुस्लिम महिलाओं को उनकी सुरक्षा छोड़िए, उनको तो आप एम्पावर भी करना चाह रहे हैं, उनको तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं देखना चाह रहे हैं, तो ये असल बीजेपी का चेहरा है जो देश देख रहा है। साध्वी प्रज्ञा हो या हेमंत बिस्वा हो, जो एक खुद इस तरीके की बात करना कहीं ना कहीं वो तो बीइंग अ वुमन है, अगर इस तरीके की बात करते हो आप लोग। नहीं मैंने उनके बारे में जो कहना था कह दिया मैडम। आप हेमंत बिस्वा अगर कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा अगर ऐसा कह रहे हैं वो, नहीं वो अरे वो अरे वो तो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो तो बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया है सबके बारे में, और उनको ये समझना चाहिए कि भारत का मुसलमान जो है वो इंडिजीनियस है, वो तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, बस बके जा रहे हैं बके जा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। सर अब दो फेजेस का चुनाव हो चुका, पांच का बचा, अभी जाना है। अब आप कैसे देखते हैं, बहुत लास्ट सवाल। अच्छा अच्छा है, अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, हमारी पार्टी के लिए, हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लिए बहुत अच्छा हुआ है दो फेज में, और आगे भी जो पांच फेजेस हैं वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमको उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, ख़ास तौर से पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हम लोग, और अल्पसंख्यक समाज मुसलमान सब देख रहा है कि कैसे, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, ये तो अपनी ज़बान से भी मुसलमान का या अति पिछड़ा का एम्पावरमेंट की बात करने से कतराती है। थैंक यू।